ये देखो भाग है जी। हमको भाग सीखना है जी। पांच से हमको इन संख्याओं में भाग करना है जी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले पांच का पहाड़ा हम पहली संख्या में पढ़ेंगे। पहली संख्या क्या है? छह। तो पांच का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो छह आ जाए, और छह नहीं आ रहा तो उससे कम, लेकिन छह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पांच का पहाड़ा पढ़ो, पांच एक कम पांच गुना। अच्छा दो बार हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है ना। कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। पांच एक कम पांच। अब इसको हम यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देंगे और इसको घटाएंगे। छह में से पांच गया, एक आ गया जी। अब इसके बाद इसके बाद वाली से इसको हम नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आए, यहाँ हो गया तेरह। कितना हो गया? तेरह। तेरह तेरह हो गया ना जी। बच्चों अब हम पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि तेरह आ जाए जी। और तेरह नहीं आ रहा तो तेरह कम, ठीक है। पांच एक कम पांच दूना पांच तिया। जब हम तीन बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है। हम कितनी बार पढ़ेंगे? दो, दो बार। पांच दूना दस। ऋण का चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे। तीन में से शून्य गया तीन, और एक में से एक गया आ गया तीन आ गया जी। अब हम अगली संख्या को नीचे लिख गया। तीन के इधर शून्य इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये शून्य नीचे आ रहा है तो यहाँ हो जा रहा है ये इकाई के इधर संख्या जी। इकाई इकाई है ना, जिसके इधर अगर शून्य रहेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर दहाई की तरफ शून्य हो जाएगा तो संख्या बदल जाती है। पांच का ऐसा पहाड़ा पड़ो तीस आ जाए। पांच एकम पांच दूना पांच तीना पांच हो पांच बचे पांच छक छह, यहाँ यहाँ लिखे यहाँ छह लिखेंगे, पांच छक तीस। क्या ऋण का चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे। शून्य में से शून्य गया शून्य, तीन में से शून्य, तीन में से तीन गया शून्य। अब हम अगली संख्या को नीचे लाएंगे। अगली संख्या है चार, नीचे आ गया चार आ गया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे चार का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते तब भी ज्यादा हो जाता है ना। तो बेटे जब कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है तो भाग जरूर होता है, हमको भाग करना है करना। अगर हम एक बार नहीं ले जा पा रहे हैं तो हम शून्य भाग रहे हैं। तो पांच शून्य यहाँ लिखेंगे शून्य, यहाँ लिखेंगे शून्य। चार में से शून्य गया चार। अब हम अपनी संख्या को नीचे ले आएंगे, ये छियालीस हो गया। चलो भाग करो, पांच एक कम पांच सुना पांच तिया पांच चौ पांच बच्चे पांच छह पांच सत्ते पांच नौटे पांच नवा पांच दामे दस बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या बार ले जाएंगे? नौ बार। पांच नवा पैतालीस। तो छह में से पांच गया एक, और चार में से चार गया शून्य। अब देखो उत्तर कैसे लिखते हैं। उत्तर बराबर भागफल, पहले भागफल लिखेंगे, भागफल बराबर ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार बारह हजार छह सौ नौ बारह हजार छह सौ और शेषफल बराबर एक। आ गया समझ में जी। बहुत बढ़िया।